हाय स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास की 29 अप्रैल की साइंस की क्लास लेने जा रहे हैं। इसमें हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की काफ़ी हद तक पढ़ लिया था। अब हमने हार्वेस्ट से आज कंटिन्यू करना है, तो कंटिन्यू करते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो क्रॉप की हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई करना एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर में। जो क्रॉप को हम कटाई करते हैं, जब वो पूरी तरह पक जाता है, उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, क्रॉप्स को या तो उखाड़ लिया जाता है या फिर उन्हें बिल्कुल ज़मीन के पास से काट दिया जाता है। इट यूजली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। सीरियल क्रॉप दानेदार जैसे ग्रेन्स होते हैं, उन्हें 3 to 4 months लगते हैं मैच्योर होने में। हार्वेस्टिंग इन आर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। हमारे देश में या तो मैनुअली सिकल से, ये आप देख सकते हैं, हाथ से चलाया जाता है, या फिर मशीन से चलाया जाता है जिसे हार्वेस्टर बोलते हैं। In the harvested crop, the grain seeds need to be separated from the chaff. This process is called threshing. Chaff होता है जो उसके ऊपर का कचरा होता है, हमें सिर्फ अंदर के grains चाहिए, उन्हें separate करना पड़ेगा उससे, तो इस process को threshing कहते हैं। This is carried out with the help of a machine called combine, which is in fact a combined harvester and thresher. तो ये किससे किया जाता है, कंबाइन नाम की मशीन से। आप देख सकते हैं, इससे हार्वेस्ट भी होते हैं क्रॉप्स और थ्रेश भी हो जाते हैं, मतलब ये कचरा भी अलग निकाल देता है और काट भी देता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्नड बाय फार्मर्स। पहेली इज वरीड, शी नोज दैट दिस कॉजेज पोल्यूशन। इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड। हार्वेस्टिंग के बाद जो कचरा बचता है, कई बार जो उसे स्टब्स कहते हैं वैसे, तो कई बार जो फार्मर्स होते हैं वो उसे जला देते हैं खेत में। पहले इस बात को लेकर चिंता में है क्योंकि एक तो उनसे धुआं होता है, पोल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा, और ये भी हो सकता है कि उसके साथ वाले फील्ड में अगर आग लग सकती है उसकी वजह से और क्रॉप ख़राब हो सकते हैं। तो इसीलिए जो भी स्टब्स हैं उन्हें, उनका क्या हम कर सकते हैं, उन्हें हम फील्ड में कल्टीवेट कर दें ताकि वो सॉयल को फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद करें। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चैफ बाय विनोइंग। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6। जो छोटे फार्मर्स होते हैं जिनके पास इतनी ज़मीन ही नहीं होती, वो थ्रेशर लगा के क्या करेंगे, आप उससे काफ़ी ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा, तो इसलिए वो मैनुअली ये विनोइंग मशीन से ग्रेन्स चैफ से सेपरेट करते हैं। विनोइंग के बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ ही लिया है। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। देखिए, हार्वेस्टिंग जो होती है वो बहुत खुशी का दिन होता है, क्योंकि ये 3-4 महीने की मेहनत होती है फार्मर की, जिसमें उसने काफ़ी कुछ किया होता है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लेडन विद ग्रेन फिल द हार्ट्स ऑफ फार्मर विद जॉय एंड अ सेंस ऑफ वेलबींग। जब वो फार्मर अपने लहलाते खेत को देखता है जिसमें उसे काफ़ी सारा अनाज दिखता है, इससे उनका दिल खुशी से झूम उठता है और उन्हें गॉड की जो फीलिंग होती है वो, मतलब फील होता है उन्हें कि गॉड है। द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव बॉर्न फ्रूट एंड इट इज़ टाइम टू रिलैक्स एंड एन्जॉय अ लिटिल। वो सोचते हैं कि जो उन्होंने मेहनत की उसका उन्हें फल मिल गया है और अब वो थोड़ा सा टाइम रिलैक्स कर सकते हैं। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये ऑब्वियस सी बात है, जब मेहनत का हमें फल मिलता है हमें बहुत खुशी होती है, तो सभी जगह इंडिया में ये बहुत ज़्यादा उत्साह से मनाया जाता है। एक तरह से मैन एंड वुमेन सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म मतलब जोश, उसे बहुत जोश से मनाते हैं। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आ पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्या एंड बिहू। इसलिए ये जो फेस्टिवल्स के नाम दिए गए हैं, इंडिया में अलग अलग जगहों पे हार्वेस्ट के टाइम मनाए जाते हैं। तो अब आती है स्टोरेज की बात। हमने फसल की कटाई तो कर ली, हम उसे स्टोर कैसे करें ताकि वो ख़राब ना हो। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। इफ़ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि अगर स्टोरेज अच्छे से नहीं होगी तो आधी तो हमारी फसल वहीं ख़राब हो जाएगी। तो इन्हें किस किस से बचा के रखना पड़ता है? इन्हें नमी से बचाना पड़ता है, वो नमी से गीले से हो जाते हैं, उनकी जो खोखले हो जाते हैं वो इंसेक्ट्स बहुत तरह के इंसेक्ट्स ग्रेन को ख़राब कर देते हैं, चूहे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि बहुत छोटे छोटे कीड़े जो हमें दिखते भी नहीं हैं वो भी क्रॉप को ख़राब कर देते हैं। नी फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर, जब वो कोई क्रॉप फ्रेश होता है तो उसके अंदर काफ़ी नमी होती है क्योंकि हमने उसे पानी से सींचा होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रीन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स। अगर हमने फसल की ताज़ी कटाई की है और उसे सीधा स्टोर कर दिया है, उसे सुखाया नहीं है, तो हो सकता है वो ख़राब हो जाएं और ऑर्गेनिजम्स उनके ऊपर अटैक कर दें, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स को पनपने के लिए, ज़्यादा बनने के लिए, मल्टीप्लाई होने के लिए मॉइस्चर चाहिए होता है, लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी, और इसी से वो जो ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर की क्वालिटी और कैपेसिटी कम हो जाती है। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम। तो इसीलिए जब भी कोई क्रॉप फ्रेशली हार्वेस्टेड होता है उसे सूरज की धूप में सुखाया जाता है ताकि उसके अंदर नमी कम हो जाए। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट्स पेस्ट, इससे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे अटैक से प्रिवेंट किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, बैक्टीरिया और फंजाई से भी बचाव हो सकता है। तो आई सो माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग व्हीट, आई वंडर व्हाई। तो ये कह रही है मैंने अपनी माँ को देखा कि वो कुछ नीम की पत्तियाँ डाल रही थी जहाँ पे उन्होंने वीट रखी थी उस ड्रम में, तो मैंने सोचा क्यों। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि जो नीम होता है वो एक एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया फंजाई वगैरह से वो प्रोटेक्ट करता है, तो इसीलिए नीम की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो वीट को भी बचाए रखती हैं बैक्टीरियाज वगैरह से। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटलिक बिन्स, ये देखिए या तो गट्टों में रखा जाता है या फिर ड्रम्स में बड़े बड़े मेटलिक्स मेटल के। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज और ग्रेनरीज, बड़े स्केल पे जब ग्रेन्स को स्टोर करना होता है तो उसे सिलोज नाम की जगह और ग्रेनरीज में रखा जाता है ताकि वो चूहों कीड़ों मकोड़ों से बची रहें। ये देखिए ऐसे होते हैं सिलोज जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, और ये ग्रेनरीज इस यहाँ पर जूट बैग्स में ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउंस स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए हमारे घर में कुछ ही ग्रेन्स चाहिए होते हैं इसलिए हम तो उन्हें नीम लीव से प्रोटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जब लार्ज क्वांटिटी ग्रेन्स होते हैं तो उनके लिए कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स यूज किए जाते हैं ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचे रहें। फूड फ्रॉम एनिमल्स, आफ्टर ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है, काफ़ी सिंपल सी टेबल है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। अब ये तो आपने देख ही लिया होगा कि एग्रीकल्चर के अलावा भी हमें जो खाने की चीज़ें मिलती हैं हमें एनिमल्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट, जो कि जैसे समुद्री इलाकों में लोग रहते हैं वो फिश को भी अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं और वो एनिमल होके भी उनका फूड की तरह एक्ट करती है। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, इससे पहले आपने देखा कि जो हम प्लांट से फूड ऑब्टेन करते हैं उसके बारे में पढ़ा। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स सोइंग एक्सेट्रा, हमने देखा कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स से इंक्लूड करता है। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड शेल्टर एंड केयर, इसलिए अगर हम एनिमल्स को भी पालते हैं तो उनके लिए भी हमें काफ़ी उनको प्रॉपर खाना देना पड़ेगा, घर देना पड़ेगा और केयर भी देनी पड़ेगी। When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. अगर आप बड़े स्केल पे एनिमल्स को पालते हैं तो उसे एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। Fish is good for health. We get cod liver oil from fish which is rich in vitamin D. ये फैक्ट है, ये आपके लिए बस एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसे आप गेन करना चाहते हैं तो। तो आज का आपका ये लेसन कम्प्लीट हो गया है। आज का आपका वर्क ये रहेगा कि आप ये कीवर्ड्स जो हैं इनके मीनिंग फाइंड करें और लेसन को अच्छे से समराइज करें। आपको लेसन का पता होना चाहिए कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, ये बॉक्स आपको समरी प्रोवाइड करा देगा,
इसे आप अच्छे से पढ़ें एक बार और समझने की कोशिश करें। थैंक यू।